नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रमा त्यागी। अगले एक घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की अहम खबरें, साथ ही ये भी बताएंगे क्या कुछ चल रहा है दुनिया भर में। इसके साथ ही हम बताएंगे खेल और अर्थ जगत की खबरें भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। तो मिड डे प्राइम में तमाम खबरें हम आपको बताएंगे और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। और आपको हम बताएंगे कि क्या चल रहा है बजट सत्र में, किस तरह से सदन की कार्रवाई लगातार चल रही है, और साथ ही नीट की परीक्षा में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में, तमाम खबरों को विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे वायनाड में किस तरह से चल रहा है राहत और बचाव कार्य, किस तरह से तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं। सभी खबरों की पल पल की जानकारी आपको देंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद का बजट सत्र जारी, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा, लोकसभा अध्यक्ष ने दी ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले को बधाई। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पेपर की प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए एसओपी तैयार को करे उच्च स्तरीय समिति। 30 सितंबर तक दिया समय, कहा गड़बड़ी सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित, पूरी परीक्षा की शुचिता पर नहीं हुआ असर। ईडी पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर भाजपा हमलावर, भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, पूछा अगर चोरी नहीं की है तो डर किस बात का। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात, बारिश के कारण आई तबाही पर ली विस्तृत जानकारी। वायुसेना के MI-17 और चिनूक के जरिए केदारनाथ मार्ग पर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू जारी, खराब मौसम के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा। आफत की बरसात से सहमा हिमाचल, बादल फटने की घटनाओं में 54 लोग लापता। शिमला के रामपुर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कई मकान, स्कूल और गाड़ियां तबाह। वायनाड में पेली ब्रिज पूरी तरह चालू होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज अभिनव भी तैनात, 250 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, सैकड़ों लापता। हिजबुल्ला इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, लेबनान से तुरंत निकले नागरिक, बेवजह यात्रा से बचने की सलाह, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे चुनौती, मनु भाकर पर भी टिकी नजरें, तीरंदाजी, जूडो, एथलेटिक्स, गोल्फ, सेलिंग और रोइंग में भी भारत को उम्मीदें। और अब विस्तार से समाचार। संसद का बजट सत्र जारी है, आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जेनेरिक दवाओं से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं सस्ते दाम पर बेची जा रही हैं। ये जेनेरिक दवाएं मार्केट में उपलब्ध दवाओं से 50-80% सस्ती होती हैं। अभी 12,600 जन औषधि केंद्र हैं, लेकिन 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। औषधि के कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में ड्रग्स को, जो जेनरिक ड्रग्स के रूप में हम सेल करते हैं, और लगभग 50-80% लेस देन द मार्केट प्राइस में हम वो दवाई और वो सर्जिकल आइटम्स खरीद सकते हैं। और इसमें लगभग अभी तक 28,000 करोड़ रुपए का पेशेंट को लाभ हुआ है। 12,600 जन औषधि केंद्र हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये तय हुआ है कि 2027 तक ये जन औषधि केंद्र 25,000 खोल दिए जाए, क्योंकि कैंसर ड्रग्स 80% रिडक्शन है, 80% ड्रग्स में रिडक्शन है। वहीं बजट सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले को बधाई दी। श्री
स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर पुरुष राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का तीसरा कांस्य पदक है। श्री कुसाले की उत्कृष्ट उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वप्निल कुसाले जी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल को भी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार संसद भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे आज कितने अहम विधायी कार्य संसद भवन में। संसद के दोनों सदनों को अगर हम देखें तो आज कामकाज सुचारू रूप से चला, किसी भी तरीके का गतिरोध देखने को नहीं मिला। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक अक्सर होती रहती है, लेकिन अंततोगत्वा कामकाज आगे बढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से, खासतौर से दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान तमाम सदस्यों के जो प्रश्न थे अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित, उनके जवाब दिए गए, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण जवाब के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जवाब में बताया गया कि किस तरीके से जो फेक न्यूज़ हैं उसको लेकर जो आईटी एक्ट के तहत काम किया गया है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर फैक्ट चेक की बात आती है तो ये अधिकार अगर केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी फैक्ट का है तो उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास ही, और केंद्र की एजेंसियाँ ही उसको फैक्ट चेक के माध्यम से करेक्ट करेंगी। इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम देखें तो इसी मंत्रालय से संबंधित OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से जो रेगुलेशंस है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसमें सरकार ने बताया कि इस मामले में पर्याप्त रेगुलेशन की व्यवस्था है और किसी भी तरीके की पायरेसी और जो गलत या कहें कि ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पर जो प्रसारण है जो कि तय मानकों के अनुरूप नहीं है, उन पर कार्रवाई अब तक की गई है। और उन्होंने बताया कि करीब 18 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये भी कहा गया कि OTT प्लेटफॉर्म पर जो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन की जो व्यवस्था है वो इसलिए है क्योंकि इस माध्यम से जो रेगुलेशन है वो सेल्फ होता है और इसमें जो कार्रवाई है OTT प्लेटफॉर्म बनाने वाले के खिलाफ ही होती है। इसके अलावा जो तमाम अन्य प्रश्नों के जवाब दिए गए, कृषि मंत्रालय से संबंधित जवाब दिए गए, और अगर हम बात करें जो आयुष्मान भारत से संबंधित जो कार्ड हैं उसको डिजिटलाइज करने की बात की गई है, उससे संबंधित बताया गया कि इससे बहुत अच्छे परिणाम देश के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर विधायी कार्यों को देखें तो अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो अनुदान से संबंधित चर्चा है वो आज सदन में आगे बढ़ाई जाएगी। खासतौर से राज्यसभा में हमने देखा था कि कृषि कल्याण से संबंधित चर्चा कल आगे शुरू की गई थी और उसको आगे आज बढ़ाते हुए उस पर जवाब आने की उम्मीद है। हालांकि राज्यसभा में जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो लिस्टेड है, जिसके माध्यम से सांसद अपने निजी विधेयकों को सदन के पटल पर रखने में सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल को अभी टाल दिया गया है क्योंकि वहाँ पर दो मंत्रालयों से संबंधित जो अनुदान मांगों पर जो चर्चा है उसको आज आगे बढ़ाया जाएगा और संभवतः कोई चर्चा अगर पूरी होती है उस पर जवाब भी आएगा। जी रमा, बिल्कुल, फिलहाल की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर जो चर्चा जारी है, कितनी अहम ये चर्चा है और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से किन किन बातों पर इसमें फोकस किया गया है। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय के अनुदान मांगों से संबंधित चर्चा में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर किया जाए। और जो बजट के जो प्रावधान है इस मंत्रालय से संबंधित, सरकार ने कहा है कि पिछले दिनों में हमने इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो चिकित्सा की, चाहे वो शिक्षा की बात हो, उसमें जो MBBS की सीट हैं वो बढ़ाई गई हैं, इस बात का जिक्र सरकार बार बार करती रही है। और इन सब चर्चाओं के माध्यम से जो विपक्ष है वो ये जानना चाहता है, ख़ासतौर से उनकी ये मांग है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो वृद्धि हुई है उसका ग्रामीण क्षेत्रों तक किस तरीके से विकास और विस्तार हुआ है, उससे संबंधित वो प्रश्न चर्चा के दौरान सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन देखना होगा जब चर्चा का जवाब आएगा तो सरकार की तरफ से
किस तरीके का पक्ष रखा जाता है और कितने जो अब तक की जो उपलब्धियां हैं वो सदन के सामने रखी जाती हैं और आगे की जो कार्य रूपरेखा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए काम किए जाएंगे, इस बजट के माध्यम से उनको भी आज जवाब में देखा जाएगा। जी बिल्कुल ऋषि, और जो ये तमाम सवाल हैं या तमाम स्पष्टीकरण हैं ये तभी सफल हो पाते हैं जबकि संसद में कार्रवाई सुचारू रूप से चले और विपक्ष शांति बनाए रखे। और आप बता रहे हैं कि आज जो है कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल रही है, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। ऋषि शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया एक्स पर ईडी को लेकर किए एक पोस्ट पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं लेकिन सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है, संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं, ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, इनके परदादा पिछड़ों को धोखा दिया जवाहरलाल नेहरू, इनकी दादी धोखा दी मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर, इनके पिताजी ने हाउस में रोका, इन्होंने नहीं उसको उजागर किया। ये पिछड़ों के बड़े दुश्मन हैं, नया नैरेटिव करने में, झूठ की खेती करने में माहिर हैं, देश का दुर्भाग्य है इतना बड़ा झूठा आदमी पैदा। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता पर अफवाह और झूठ फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। अपमान तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का कर दिया था कि मनमोहन सिंह थे, विधेयक लाए थे मनमोहन जी और उन्होंने सार्वजनिक रूप में उसको फाड़ कर न केवल मनमोहन जी का अपमान किया था बल्कि संविधान का भी अपमान कर दिया था। वो आजकल बेचैन है, इतना झूठ बोला है उन्होंने, इतनी अफवाह फैलाई है, इतना भ्रम पैदा किया है कि उनका मन बेचैन होना स्वाभाविक है। चार दिन तक वो अपने वायनाड में नहीं पहुँच पाए जहाँ की जनता ने उनको चुना था दो दो बार। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वहीं भय उन्हें सता रहा है, वे भयभीत क्यों हैं, उन्हें डर किस बात का है। जो कहना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है। और ईडी अपना काम करती है लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है, भाई ईडी मारते मारेगी, उसमें डर किस बात का है। अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। और राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी की किसी बात का कोई तुक नहीं है, कोई ढंग नहीं है। हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं, देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और ख़ासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना, देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज़ है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं, आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए टीटी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के उच्च स्तरीय कमेटी के संबंध में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक गड़बड़ी को रोकने के लिए एक एसओपी जरूरी है। कमेटी को एसओपी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक कहा है कि कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हुई है। तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसमें कहा है कि पूरी परीक्षा की शुचिता पर असर नहीं हुआ है और उच्च स्तरीय समिति को लेकर भी अहम निर्देश दिया गया है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो साफ कर दिया है कि पूरी तरह से जो शुचिता है वो प्रभावित नहीं हुई है। पहला पिछली बार भी आदेश में जो बात कही थी कि जो पूरा एक जिसको कहना चाहिए सिस्टमिक फेलियर नहीं है यहाँ पर, और केवल हजारीबाग और पटना में ही गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात, जो शुचिता थी पूरी परीक्षा की, वो सैंक्टिटी ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रभावित हुई है। ये दो कारण बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इसी कारण हमने पिछले आदेश में री एग्जामिनेशन का ऑर्डर नहीं किया था। एक, ये जो हाई पावर कमेटी है इसके बारे में खुद केंद्र ने कहा था कि वो इसरो के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाएगी ताकि वो भविष्य में ऐसी किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए उच्च दिशा निर्देश इस कमेटी से मिल सके। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो भी जिम्मेदारी इस कमेटी को दी है वो तो है ही। इसके अलावा कोर्ट ने खुद भी कहा है कि जब कोई इस तरह की परीक्षा होती है, खासतौर से नीट का हवाला देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र छपने से लेकर जो आंसर शीट्स हैं उनकी वो उनकी जांच होने तक जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर के एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि बिल्कुल एसओपी की बात कही है। विकास, यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये अपने आप में कितने अहम है। हमारे संवाददाता विकास सारथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो आपसे यही एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, ये जो एसओपी की बात कही है ये अपने आप में कितनी अहम हो जाती है। तो विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ये आदेश है ये अपने आप में काफ़ी अहम है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच शंभू बॉर्डर को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकार ऐसे निष्पक्ष लोगों के नाम पर विचार करें जो किसानों से बात कर सकें और परेशानी का हल निकालें। वहीं शंभू बॉर्डर को आम गाड़ियों के लिए खोले जाने की पंजाब सरकार के वकील की मांग पर हरियाणा सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धरना दे रहे किसान खुद अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रख रहे। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी, जिसके बाद अब यथास्थिति बरकरार रखते हुए शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। तो शंभू बॉर्डर को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 12 अगस्त को दोबारा सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब खबर लेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बादल फटने की वजह से अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही आपदा प्रभावितों का हाल भी जाना, साथ ही राहत व बचाव शिविरों में कई की गई व्यवस्थाओं को भी परखा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों में लाए जाने के साथ ही भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5,000 है।
कुछ को हेली सेवा एयर से हेली निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है, 5,000 किया गया, और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1,000 के लगभग लोग धाम पर हैं, और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। माई भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है, अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं, और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। इस दौरान अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी से भारी बारिश के कारण आई तबाही पर विस्तृत जानकारी ली और राहत कार्यों के बारे में जाना। अमित शाह ने धामी को भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ मुसीबत के इस दौर में खड़ी है और हर मुमकिन मदद की जा रही है। दरअसल केदारनाथ मार्ग पर फंसे यात्रियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। आज भारतीय सेना के चुनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी इस काम में लगे हैं। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग के विभिन्न जगहों पर फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों के परिजनों के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस के कंट्रोल रूम के नंबर हैं 7579257572 और पुलिस कार्यालय में व्यवस्थित लैंडलाइन नंबर है 01364233387। तो हेल्पलाइन नंबर के तौर पर इन्हें शुरू किया गया है और इन नंबरों को व्यस्त रहने पर आपातकालीन नंबर 112 पर भी कॉल करके आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपको बता दें कि टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। इससे पहले कल रात SDRF उत्तराखंड के जवानों ने देर रात्रि तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए मुनकटिया क्षेत्र से 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया। वर्तमान समय तक 2200 से अधिक यात्रियों को निकाला जा चुका है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और जोशीमठ क्षेत्र में गुलाबकोटी के पास का अवरुद्ध सड़क मार्ग खुल गया है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग के विभिन्न जगहों पर अभी भी हालांकि यात्री फंसे हुए हैं, जिनकी सहूलियत के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस के कंट्रोल रूम का नंबर है 7579257572 और 01342333387 को हेल्पलाइन नंबर के तौर पर शुरू कर दिया गया है। इन नंबरों के व्यस्त रहने पर आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करके आवश्यक जानकारी ली जा सकती है। तो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और लोगों को वहां से निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री से बात की है। यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है, वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं डिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार ही करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, बट हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे उनका जो आप नंबर नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल पर नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें और आपके सभी जितने भी यात्री हैं सब सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित हैं। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची भारी तबाही में अब तक जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। राज्य में बचाव कार्य लगातार जारी है। खास तौर पर शिमला के पास बादल फटने की घटना में पावर प्लांट और डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा था। NDRF की टीम इस इलाके से लोगों को बचाने के कार्य में दिन रात लगी हुई है। यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। हिमाचल में बादल फटने से मलाना पावर प्रोजेक्ट बांध टूट गया है, जिसकी वजह से कुल्लू में स्थित मकान और मंदिर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बलाधी गांव में एक सरकारी स्कूल, 2 मंदिर और 8 मकान भी बह गए।
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना पर कहा कि ये बेहद दुखद है। हर साल हिमाचल में ऐसी आपदा आती है जो कि दुख की बात है। आपदा के समय में हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियाँ आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल ज़मीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज़ का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पर मेरा काम ख़त्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूंगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो लगभग 70% मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आ जाता है। तो हिमाचल का जो जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो मंडी लगभग 70% उसको कवर करती है। तो नुकसान खैर सारी जगह पर हुआ है पर वो मंडी क्षेत्र में अधिकतर आता है। तो लगभग 1,500 किलोमीटर का एरिया है तो ऐसा तो नहीं कि हम एक साथ में कवर कर सकते हैं उसको, बहुत दूर दूर हैं सारे क्षेत्र। तो जितना हो सकता है उतना अब करेंगे और जैसे 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 स्थिति बनेगी वैसे वैसे कवर करेंगे। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से, हमारे साथ आशीष रमोला जुड़े हुए हैं और कुलदीप हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष आपके पास आना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं वहां पर स्थिति का जायज़ा लिया है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है और कहां कहां पर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा से ज़्यादा प्रभावित हैं। से भयावह स्थिति और अप्रिय घटना जो है वो देखने को मिली और जिस तरीके से बादल फटे तो वहाँ केदारनाथ मार्ग पे जो श्रद्धालु थे तो उनको सबसे ज़्यादा हानि वहाँ पे देखने को मिली। और बड़ी बात ये रही कि तुरंत जो कार्रवाई है वो यहाँ पे जो धामी सरकार है उन्होंने खुद वहाँ पे फ्रंट फुट में आके यहाँ पे जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली रात को ही सचिवालय पहुँचे, तुरंत जो है सभी आपदा अधिकारियों को वहाँ पे बुलाया, मीटिंग ली गई, रुद्रप्रयाग डीएम को निर्देशित किया गया तुरंत जो है कार्रवाई की जाए, श्रद्धालुओं को बचाया जाए, राहत कार्य जो है तुरंत वहां पे लगाया जाए, एसडीआरएफ की टीमों को तत्काल वहां पे लगाया गया, श्रद्धालुओं को निकाला गया। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पीएमओ कार्यालय की तरफ से यहां पे बातचीत हो रही है। MI-17 और चिनूक यहां पे कल पहुंच चुके थे, आज MI-17 ने जो है वो केदारनाथ से 15 श्रद्धालुओं को जो है वो गौचर वहां पे पहुंचाया गया। उसके बाद यहां पे देखा गया कि थोड़ा सा जो मौसम की स्थिति की बात करी जाए तो मौसम में जो थोड़ी अपनी दखल यहां पे दी है, जो मौसम वहां पे साफ नहीं रहे इसलिए जो है वो चिनूक वहां पे रोक दिया गया, लेकिन MI-17 से 15 यात्रियों को सुरक्षित जो है वो गौचर पहुंचाया गया। उसके बाद अगर देखा जाए आज सुबह सोनप्रयाग में फिर से थोड़ी सी लैंडस्लाइड वहां पे देखने को मिली, हालांकि कोई जानमाल को कोई ऐसी नुकसान नहीं हुआ, श्रद्धालुओं को लगातार वहां पे निकाला जा रहा है। जो आपदा सचिव हैं वो उन्होंने सुबह जानकारी दी कि 723 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया और 2300 लोगों को जो है एसडीआरएफ ने वैकल्पिक मार्ग के जरिए निकाला गया है। तो लगातार जो कार्य है वो वहाँ पे किया जा रहा है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और जो राज्य सरकार है वो वहाँ पे कार्य करके श्रद्धालुओं को जो है 5000 फूड पैकेट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, खाने की कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं दिखी जा रही है, सबको सुरक्षित स्थान पे वहाँ पे भिजवाया जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जा रहा है जिस तरीके से अप्रिय ये घटना यहाँ पे घटी, खुद फ्रंट फुट में आके जो राज्य सरकार है पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, खुद जो है स्थलीय निरीक्षण भी किया, हवाई निरीक्षण किया, लोगों से वार्तालाप करी, खुद स्थिति का वहां पे जायजा लिया। दूसरी अगर बात की जाए तो टिहरी में जिस तरीके से घटना वहां पे सामने देखने को मिली थी, कुलदीप आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति वहां पर है? दृश्यों में हम देख रहे थे कि वहां भी जो बचाव और राहत कार्य है वो चल रहा है लगातार। जी रमा, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल्लू ज़िले में जिस तरह की भीषण आपदा पिछले कल देखने को मिली, 3 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटना आई हैं जिसमें लगभग 50 से अधिक लोग जो हैं इसमें बहने की समाचार प्राप्त हुए हैं। अगर हम अपडेट की बात करें तो आज राहत भरी खबर जो है मलालन डैम से अभी अभी आई है। खबर के मुताबिक ऐसा है कि मलाना की सुरंग में फंसे हुए 4 कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने में आज बचाव दलों को कामयाबी हासिल हुई है। ये चारों कल जो है मलाना के डैम 1
खनन में परियोजना के अंदर ही कार्यरत थे और उस दौरान भारी मलबे के चलते जब डैम फट गया तो उसके बाद ये वहीं फंस गए रह गए थे और लगभग 30 घंटे के बाद इन्हें जो है इन सुरंग से आज बाहर निकाल दिया गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ की हम बात करें निरमंड तहसील की अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में जिस तरह के कल बादल फटने की घटनाएं आई हैं जिसमें कि तीन खड्डों में अलग अलग क्षेत्रों की तीन खड्डों में भारी भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें समेज खड्ड और जिसमें गानवी खड्ड और उसके अलावा बागी पुल का जो है उसमें खड्ड में जो है बाढ़ आई थी उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी तक जो है बचाव दलों को किसी भी तरह की इस तरह की कामयाबी नहीं मिली है क्योंकि बताया जा रहा है कि एक ही समेज गांव के लगभग 36 लोग वहाँ पर बह गए थे जिन्हें अभी तक ढूंढ निकालने में कोई भी सफलता नहीं मिली है। हालांकि पिछले कल पूरे दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आज सवेरे लगभग 6 बजे से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरे लगभग 85 किलोमीटर्स का एक एरिया है जिसे रेकी किया जा रहा है। सुन्नी डैम तक के क्षेत्र को वहाँ पर खोजा जा रहा है। तलाश अभी तक जारी है लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी और उम्मीद बेहद कम जताई जा रही है कि किसी के बचे होने की। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसकी अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर बादल अक्सर फटा करते हैं। कुल्लू जिले का ये क्षेत्र है, शिमला से सटता हुआ क्षेत्र है, तो ऐसी लोकेशन पर है। किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है, क्या वजह है, आप बता रहे हैं कि वहां पर सफलता नहीं मिल पा रही है, किस तरह की चुनौतियां वहां पर हैं? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है शिमला और कुल्लू के बीच का सटा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है, सतलुज घाटी के साथ सटता हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर समस्या ये है कि ऐसी आपदा के समय में सड़कें जो है संपर्क मार्ग है, काफ़ी अंदर का क्षेत्र था इसलिए संपर्क मार्ग टूट गए जिसके चलते मशीनरी वहाँ पर समय रहते नहीं पहुँच पाई है और जिस कारण से बचाव कार्यों में बाधाएं आने लगी हैं। और अगर दूसरी ओर से देखा जाए तो पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मानव श्रम पर ही आधारित है। NDRF, SDRF, CISF और उसके अलावा अगर देखा जाए ITBP की बटालियन वहाँ पर तैनात कर दी गई है, उसके अलावा गृह रक्षक के जवान भी है, तो पूरा काम जो है मैन्युअली किया जा रहा है, मैन्युअली मलबे को हटाया जा रहा है। उसके बावजूद वहाँ पर प्रोजेक्ट की एक साइट है, वहाँ की जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके कल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि आज उम्मीद जताई जा रही है कि सड़क जो मार्ग है वो बहाल होगा और तब तक बाहरी मशीनरी वहाँ पर पहुँच सकेगी, लेकिन कई सारे पुल, लगभग 4 से 5 पुल उस रूट के बहने की वजह से वहाँ पर मशीनरी तैनात करने में भी समस्याएँ आ रही थी। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और बताया ये जा रहा है कि शाम तक उम्मीद जताई जा सकती है कि कम से कम बागी पुल में जो जहाँ पर 9 लोग लापता हुए थे निर्मंड पंचायत में, शायद वहाँ पर कोई कामयाबी मिल सके। वहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना हो सकती है। जी आप नज़र बना रखें, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अपने दोनों ही संवाददाताओं को हम कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब बात करेंगे केरल के वायनाड की। केरल के वायनाड में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 250 के करीब पहुंच गया है, अभी ये आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। इन सब के बीच अहम खबर यह है कि बेली ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है और इस ब्रिज के सहारे अधिक भारी मशीनरी दूसरी तरफ चली गई है और अब राहत कार्य और तेज़ हो जाएगा। भूस्खलन के आसपास के 6 क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया है और कुल 40 खोज दल तैनात किए गए हैं। पड़ोसी मलप्पुरम जिले में चलियार नदी के निचले हिस्से में भी तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। एयरफोर्स का चिनूक, 3 टैंकर, ATF और तटरक्षक बल के जहाज अभिनव को तैनात किया जा रहा है। 35 ICG कर्मचारियों का एक दल 30 जुलाई से चूरल माला और आसपास के गांव में बचाव अभियान चला रहा है। वायनाड में राहत और बचाव काम में केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, हर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। RSS की सेवा भारती टीम भी घटनास्थल पर 30 तारीख से मौजूद है। बिना किसी मीडिया कवरेज के सेवा भारती के लोग वायनाड के लोगों की मुश्किलों में मदद कर रहे हैं, चाहे फिर लोगों को रेस्क्यू करना हो, भोजन पहुँचाना हो या मृतक लोगों का अंतिम संस्कार करना हो। RSS से जुड़ी सेवा भारती दिन रात वहाँ काम कर रही है। और वायनाड के मुंडकई इलाके में जहां सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण सैकड़ों जिंदगियां चली गई, आज भी वहां लोगों की तलाश जारी है। क्या कुछ हालात हैं वहां के ग्राउंड जीरो पर, जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। केरल के वायनाड में जहां लैंडस्लाइड हुआ था उस जगह पर दूरदर्शन की टीम पहुंची और आपको उन दृश्यों को हम दिखाते हैं कि लैंडस्लाइड की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है यहीं से
पहले लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद तेजी के साथ पानी आया और पानी के साथ साथ जो मलबा है वो बहता हुआ इस इलाके में पहुंचा। और आपको बता दूं कि ये मुंडकई गांव है जिसे एक मिनी कस्बा भी बोला जाता था और तीन चार गांव मिलकर ये पूरे इलाके को बनाते थे और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 300 से 400 के करीब छोटे बड़े मकान थे और मार्केट एक छोटा मार्केट था और एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस ये इलाका था और यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते थे। आगे जो इलाका है वहाँ पर भी कई सारे जो मकान हैं वो डैमेज हुए थे। वहाँ पर भी जो रेस्क्यू की टीम मौजूद है और खोजने की कोशिश कर रही है कि वहाँ कोई बॉडी तो नहीं है या फिर कोई व्यक्ति जो उस समय मिसिंग हो वो तो नहीं है, उसे खोजने का प्रयास चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। कितने बड़े बड़े पत्थर आए थे तो ये जो पत्थर है वो लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा आया था उसमें बहकर ये पत्थर आया था और इसी तरह के तमाम बड़े बड़े पत्थर थे जो यहाँ पर मकानों के ऊपर से निकल गए और उसके पीछे जो मलबा आया वो मकानों के अंदर घुस गया। रेस्क्यू लगातार जारी है। उसके अलावा जो लोग आसपास के गाँव में हैं उनके लिए खाने पीने का सामान भी यहाँ पहुँचाया जा रहा है। हालात किस तरह के थे ये पत्थर आपको बता रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस हालात का सामना किया होगा जिस समय लैंडस्लाइड और मलबा आया होगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ग्राउंड जीरो, वायनाड। इस बीच केरल सरकार ने चौतरफा दबाव के चलते अपने उस विवादास्पद आदेश को केरल सरकार ने वापस ले लिया है जिसमें वैज्ञानिकों से वायनाड भूस्खलन स्थल का दौरा ना करने और अपनी राय और अध्ययन रिपोर्ट मीडिया के साथ साझा ना करने का निर्देश दिया था। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी केरल सरकार के विवादास्पद आदेश की आलोचना की है। अपने एक्स संदेश में उन्होंने कहा, मैं सब कुछ दोहराता हूँ, हर एक चीज़ को इंडी गठबंधन जो कहता है या करता है, जैसे विज्ञान समुदाय को चुप कराने वाला ये आधिकारिक CPM सरकार का आदेश पाखंड, दोहरे मानकों और पूर्ण झूठ के इर्द गिर्द बना है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी केरल सरकार के आदेश की निंदा की है। अपने एक संदेश में उन्होंने कहा, ऐसी त्रासदियों का आकलन करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक दृढ़ता को खत्म करने के अलावा ऐसा क्या है जिसे राज्य सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। कोई भी संदेह इस तथ्य को खारिज नहीं कर सकता है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट सरकार ने कई रिपोर्टों और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया जिससे ये तबाही हुई। 200 से अधिक मौतें उनकी आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। और वायनाड भूस्खलन में मारे गए निर्दोष लोगों को रेत से कलाकृतियां बनाने वाले कलाकार सुदर्शन पटनायक ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ओडिशा के पुरी बीच पर वायनाड के लिए प्रार्थना संदेश उकेरा। उन्होंने इसके माध्यम से सभी जवानों और NDRF की टीम और सभी स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को सलाम किया जो ग्राउंड जीरो पर दिन रात काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। राशन वितरण घोटाले में दो और तृणमूल नेताओं को ED ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया है। उनका एक और भाई बारिकुल रहमान पहले से ही इसी मामले में जेल में है। गिरफ्तार पूर्व खाद्य मंत्री और ममता बनर्जी के करीबी ज्योति प्रिय मलिक उर्फ बालू का करीबी बताया जा रहा है। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, क्या कुछ जानकारी इस मामले में? ED पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। बिल्कुल रमा, पिछले कई दिनों से ये जो राशन वितरण घोटाला है, माना जाता है कि कई हजार करोड़ रुपया की घोटाला है और इसके ऊपर बारी बारी में ED की तरफ से जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। और अभी इन इन परिवार के ऊपर पिछले कई दिनों से नजर रखे गए थे और वहां पे तलाशी करने के लिए पिछले दो दिन से काफी CAPF लगाकर ED की तरफ से कार्रवाई किया जा रहा था। ये जो जगह है ये बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है और आरोप ये है कि ये जो राशन घोटाला है इसमें जो लोगों के लिए खाद्य पदार्थ
अनाज सारे केंद्र से भेजा जाता था वो लोगों में वितरण करने की जगह पे हो सकता है कि विदेशों में उसको बेचा जाता था या खुला मार्केट में बेचा जाता था। तो इसमें पूरा तृणमूल कांग्रेस की एक सिस्टम लगा हुआ था, ये आरोप है। और जैसे आपने बताया कि जो पहले खाद्य मंत्री हुआ करता था वो भी अभी जेल में है, और उनके जितने सारे ये करीबी है, ये बाईकूल और उनके जो परिवार, ये सारे जो है अनिसूर और बाकी जो है, तो ये सारे इस पूरे सिस्टम में लगे हुए थे पिछले कई सालों से। और बताया जाता है कि हो सकता है ये 10,000 करोड़ तक ये जो घोटाला है वो पहुंच जाए। तो ईडी पूरी तरह से इस जो इंक्वायरी है, इस इंक्वायरी को एक नतीजे तक लाने की कोशिश में है, और इसीलिए आज सुबह 6 बजे इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार दिखाया गया। रमा, बिल्कुल चिंता की बात प्रसन्नजीत यहाँ पर यह भी हो जाती है कि बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है, और इसके तार जो हैं लगातार जिस तरह से जांच सामने आ रही है उसमें जो राज्य की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए रमा, मुश्किल हमारे प्रदेश में यही है कि जो घोटाले की बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, आप लोगों से जब मैं लाइव में या फोन पे या किसी भी जगह पे हम बात कर रहे हैं तो खाली घोटाला ही बात कर रहा है। घोटाला का ये हमारे लिए क्या भी दर्दनाक है, और ये सारे घोटाला तृणमूल कांग्रेस के एक सिस्टमिक हिसाब से चलाया गया, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे वो PMAY का घोटाला हो, चाहे वो MG नरेगा की घोटाला हो, सब जगह पे एक ही सिस्टम लगा हुआ है। और वो सिस्टम की जो अंत है, जो दूसरी तरफ की तार है, वो तृणमूल कांग्रेस के एक शीर्ष तक पहुंच जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ईडी या CBI की तरफ से कोशिश यही है कि धीरे धीरे, क्योंकि ये आर्थिक घोटाला है, इसका तार जोड़ना काफी जरूरी है और काफी कठिन भी है। तो बिल्कुल लगातार ये कड़ियां तलाशी जा रही है। प्रसन्नजीत आप नजर बना रखे, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। श्रावण मास यानी सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में भक्त पूरे मनोभाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए शिव भक्त कांवड़ में पवित्र नदियों का जल लेकर लंबी यात्रा करते हुए शिव मंदिरों में पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं, और सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि सावन की शिवरात्रि कहलाती है। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने दर्शन और पूजन किया। और सीधे अब आपको ले चलते हैं BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। के कारण ये हो सका और उन्होंने भारत को विश्व में और विश्व के सामने, भारत में जो 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के एग्जाम्पल को लेकर उन्होंने कहा कि हर देश को इसी तरह अपने देश के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाने चाहिए, उन्होंने कल आगे रखा। उन्होंने ये भी कहा कि 80 करोड़ लोगों के जीवन में ये बदलाव टेक्नोलॉजी के कारण, मोबाइल फोन के कारण हुआ है। और मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, या आप विस्तृत रूप से इसका एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जो भारत सरकार और भारत में सरकार का जो एक नरेटिव रहा था और या होता था विश्व भर में, कि यहाँ का सरकार बहुत डिसफंक्शनल है, गवर्नमेंट सिस्टम बहुत लीकी है और करप्ट है, और हमारे इस भारत देश में बैंकिंग इंक्लूजन
अमीर लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए है और गरीब लोग बैंकिंग सिस्टम से डिस्कनेक्टेड थे और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता था 2014 से पहले 17 करोड़ लोगों को कोई मिलता था उससे काफ़ी एक डिजिटल एक्सक्लूजन का एक फ्रेमवर्क होता था 2014 से पहले। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 17 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस को 90 करोड़ बनाया या इस पिछले 10 साल में 14 करोड़ लोग जो बैंक अकाउंट्स उनके पास होते थे आज 52 करोड़ यानी कि क्या बोलते हैं 42 ने 52 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट। इस सब मिल मिलाकर हमको देखने को मिला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ लोग ऊपर उठ चुके हैं और इस कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन और 200 करोड़ वैक्सीनेशन हम इस टेक्नोलॉजी के कारण और इंडिया डीपीआई जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन उसके कारण ये हो पाया है। और इसके बारे में विश्व भर में हाल ही में मैं लंदन में था और टोनी ब्लेयर जो पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन और री इमेजिन स्टेट के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत ने जो करके दिखाया है हर देश को और उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ब्रिटेन को भी ऐसे पॉलिसीज अपनाने चाहिए। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा हूँ कि हम सुनते हैं काफ़ी सारे हमारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज़ पूछते हैं कि 10 साल में क्या हुआ और उनके राजनीति में काफ़ी प्रॉमिसेस करते हैं गरीबी हटाओ के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है 65-70 साल में, लेकिन दुनिया जानती है और हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब के लिए और किसानों के लिए जो काम किया है और टेक्नोलॉजी के साथ उनको जो एम्पावरमेंट मिला है आज दुनिया के सामने सब मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। धन्यवाद। हाँ जी देखिए राहुल गांधी वायनाड के एमपी हैं तो भारत के गरीबी दूर करने के प्रयासों की यूएनजीए ने सराहना की है। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे जहां पर राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि किस तरह से लगातार जो है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और सरकार के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार तीखा कम है फिर भी स्वाद MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। God! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के प्रमुख डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत ने डिजिटलीकरण के जरिए करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। फ्रांसिस रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूख को समाप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी विषय पर बोल रहे थे। फ्रांसिस ने डिजिटलीकरण के जरिए तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए आधार प्रदान करने की जरूरत पर जोर दिया और भारत का उदाहरण देते हुए भारत के उदाहरण का हवाला दिया और सराहना की। उन्होंने कहा उदाहरण के लिए भारत के मामले को लें, भारत पिछले 5 या 6 वर्षों में स्मार्टफोन के जरिए 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा है। अपने संबोधन के बाद फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में ग्रामीण इलाकों के किसानों का बैंकिंग प्रणाली के साथ कभी संबंध नहीं था लेकिन अब सभी अपने कामों को अपने
स्मार्टफोन पर करने में सक्षम है, जिसमें उनके बिलों का भुगतान करना और ऑर्डर के लिए भुगतान प्राप्त करना शामिल है। भारत में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का जिक्र करते हुए फ्रांसिस ने कहा कि भारत में इंटरनेट की पहुंच काफ़ी अच्छी है और लगभग सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। वैश्विक दक्षिण के कई हिस्सों में ऐसा नहीं है। फ्रांसिस ने कहा कि डिजिटलीकरण के लिए वैश्विक ढांचे पर बातचीत करने में प्राथमिक कदम के रूप में इस असमानता को दूर करने के लिए कुछ प्रयास और पहल होनी चाहिए। उन्होंने कहा 2009 में भारत में केवल 17% वयस्क नागरिकों के पास बैंक खाते थे, 15% डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करते थे, जबकि 25 में से एक पास पहचान दस्तावेज था और करीब 37% के पास मोबाइल फ़ोन थे। ये संख्या तेज़ी से बढ़ी है और आज टेलीफोन कनेक्शन 93% लोगों की पहुंच में है। 1 अरब से ज़्यादा लोगों के पास डिजिटल पहचान दस्तावेज हैं और 80% के पास बैंक खाते हैं। 2022 तक प्रति माह 600 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल भुगतान लेनदेन पूरे किए गए। और अब वक्त है खेल की खबरों का। शुक्रिया रमा, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तीरंदाजी में मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत की अंकिता भकत और धीरज बोमदेवरा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। अंतिम 8 के मुकाबले में अंकिता और धीरज की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को 5-1 से हराने में सफलता पाई। आज के जो बाकी इवेंट्स हैं पर नजर डालें तो हॉकी में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना भारतीय समय के अनुसार शाम 4:45 पर ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम बेल्जियम से मिली हार को पीछे छोड़कर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। बैडमिंटन में शाम 6:30 पर लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनका सामना चीनी ताइपे के खिलाड़ी से होगा। एथलेटिक्स में महिलाओं की 5000 मीटर रेस के पहले राउंड में पारुल चौधरी और अंकिता ध्यानी हिस्सा लेंगी। गोला फेंक का भी क्वालिफिकेशन राउंड आज आयोजित किया जाएगा। भारत की तरफ से तजिंदर पाल सिंह तूर इसमें हिस्सा लेंगे। और हमारे साथ पेरिस से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, आज का दिन बेहद खास रहने वाला है भारत के लिए। लक्ष्य सेन एक्शन में होंगे, वहीं भारतीय हॉकी टीम पर भी आज नजर रहने वाली है। दोनों खिलाड़ी तो इस बार नजर में होंगे, लेकिन अभी जो आखिरी से अच्छी खबर आ रही है 1-1 के जो मुकाबले में 1/8 का जो मुकाबला यानी प्री क्वार्टर फाइनल था, वहां पर इंडोनेशिया को भारत की अंकिता भगत और प्रवीण की जोड़ी ने जिस तरह से 5-1 से हराया। बहुत शानदार एलिमिनेशन में वो दोनों खेले हैं और लीड बना करके वो दोनों अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उम्मीद है यहाँ से अगर एक मैच और जीतते हैं तो आर्चरी से जो अब तक का पदक का इंतजार था वो शायद खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, अगर वो इसी तरह से अगले राउंड में भी खेले। और वहीं ईशा सिंह ने अपने एलिमिनेशन में जिस तरह से अचूट किया है, 3 सीरीज उन्होंने खेली जिसमें 95-96 और आखिरी सीरीज में 100 out of 100 मारा है। वहीं अभी मननु भाकर जो मुकाबला है वो होना बाकी है। बात करें लक्ष्य सेन की, जिस तरह से प्रणव रॉय के साथ कल वो खेले तो उनसे उम्मीद है कि वो अपनी इस जर्नी को जल्दी से आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से खेले। उनका कमबैक करने का जो पूरा डिटर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा है। वही हॉकी से आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा, बिल्कुल आसान होने वाला मुकाबला नहीं है, लेकिन दर्शकों को एक अच्छा थ्रिलिंग मैच देखने को मिला था। बेल्जियम के खिलाफ भारतीय टीम ने जिस तरह से लीड बनाई थी और फिर
लास्ट में थोड़ा सा जो है वो चूक गए गोल को कन्वर्ट करने में पेनल्टी कॉर्नर्स को, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो गलती है उसको आप सुधार सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद नॉकआउट मुकाबले आपको खेलने होंगे तो वहाँ कोई गलती नहीं चलेगी। काफी कुछ एथलेटिक्स से भी सुचित्रा, पारुल चौधरी, तेजेंद्र पाल तूर, ये तमाम एथलीट्स हैं जो आज उतरेंगे अपने अपने मुकाबले में। तो आज का जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, काफी उम्मीदें हैं हमें अपने एथलीट्स और निशानेबाजों से। बिल्कुल मुकेश, खास तौर से बैडमिंटन में कल जो निराशा हाथ लगी, सात्विक चिराग हारे, पीवी सिंधु हारी, अब लक्ष्य सेन के ऊपर काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं भारत की, तो उन पर आज खास नजर रहने वाली है। बिल्कुल, आज मेरे को लगता है उनका जो मुकाबला होगा उसको देखने के लिए तमाम वहां पर जो फैंस है, कल भी हम अरेना में गए थे तो पूरा एकदम जैम पैक था वहां पर, इतना ज्यादा लोग चीयरिंग कर रहे थे। तो अब देखेंगे किस तरह से यहाँ पर लक्ष्य सेन इस मुकाबले में खेलते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमेशा कमबैक करने का अपना जो स्किल दिखाया है वो बहुत ही लाजवाब है। और जिस भी ओपोनेंट के खिलाफ वो खेले, उनके शॉट देखे कोर्ट पर किस तरह से वो खेलते हैं, और एक आधा शॉट तो उन्होंने सरप्राइजिंगली खेला है जिससे उन्होंने ओपोनेंट को चौंका के रख दिया। तो उम्मीद करते हैं, फिंगर क्रॉस, कि इस बार लक्ष्य सेन, चाहे पीवी सिंधु हो, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज हो, इनकी इनकी जो हार है उसको भुलाने में काम बिल्कुल मुकेश, यही उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य सेन जिस लक्ष्य को लेकर पेरिस ओलंपिक में आए हैं उसे जरूर हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, वापस चलते हैं रमा के पास। तो बहुत धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए, और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।